फगवाड़े की सतनाम पुरा पर उसने रिमांड नहीं लिया जी। ना इन्हें माँ का लिया से ना इन्हों का रिमांड लिया जी। इस केस के पिछों भजया से मेरा सोना सोना भी लै गया थी, पैसा भी लै गया थी। जो अभी आ के देखिया तो डेड बॉडी है मुंडे जंग की, वो जेब चो पर्ची निकली है। उदो का मुंडा भगौड़ा थी, एक मेरा मुंडा मुक गया। खबर जो असी आप जी नाल सांझी कर रहे हैं ये नवां शहर के थाणा मुकंदपुर के अधीन आउंदे पिंड गुणा चौर तो सामने आ रही है। एक नौजवान जिसका नाम साहिल दस्या जा रहा है और कोट राणी पिंड का नेड़े फगवाड़ा का रहने वाला है, मत्था टेकने लई नज़दीकी एक धार्मिक स्थान पर आया और घर वापस नहीं परतिया। दो दिन तो परिवारिक मैंबर उसकी भाल कर रहे सन, पर अज उसकी लाश भेद भरे हालातों के पिंड गुणा चौर तो बरामद हुई। मौके पर पुजे लड़के दे बाप साहिल दे बाप ने दस्या कि उन्हां दे पुत्र दा पहला भी कतल हो चुका है और साहिल उन्हां दा पुत्र उस मुकदमे दे विच गवाह सी। उन्होंने शक जाहिर किया कि शायद उन्हां दे लड़के दा कतल किया गया है। पुलिस सारे मामले की डूंघाई दे नाल जांच कर रही है। तुसी भी देखो गुणा चौर तो मनवीर बंगा दी पंजाबी स्टेशन लई एक खास रिपोर्ट। मल्ला कोट राणी, मेरा लड़का साहिल एक घरों मोटरसाइकिल लै गया जी, मेरा अपना ही मोटरसाइकिल आ स्पलेंडर, उसका नंबर है जी PV09-2895। की दस के आया घरों जी? हाँ जी घरों राज साहब दे आया जी जी। तो अज वो इतों जी लाश मिली आ, यदि जांच होनी चाहिए है जी। ये दोनों ही अगवाह थे जी, इन्हों की कौन चीज़ की गवाह सी? इन्हों की मम्मी नूं साडे लागे भाणूगी पिंड आ, उत्थे दा राम मूर्ति भाणूगी दा लड़का लै गया सीगे 2018 दे विच। उस 2018 से लै गया तो मैं 3 दिन बाद बाहरले मुल्क चो कवैत बैस गया, तो मैं 3 दिन बाद आया। आ के मैं जी बहुत नठ भज करके 26 मार्च के लै गए जी, मैं 28 नूं आया। मैं रड़क रड़क के मसी जाके 11 दिवाली से जाके 11वें महीने में जाके रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उदों दा मुंडा भगौड़ा सी, एक मेरा मुंडा मुक गया 10 मई नूं ऐसे साल दे विच जी, 10 मई नूं मुकया जी। उहदी हजे तक रिपोर्ट नहीं आई। इन्हां ने अपने मुंडे की उदू बाद जमानत करा ली, जमानत कराउण ते पुलिस दा रिमांड, पुलिस ने उहदा रिमांड नहीं लिया कोई भी, वी तू कित्थे सी। 5.5 साल तो भगौड़ा POV होया सीगा, इस केस दे विचों भज्जिया सीगा। मेरा सोना भी लै गया सी, पैसा भी लै गया सी, पर पुलिस ने हजे तक कोई कार्रवाई नहीं। पोलिटिकल बंदा आ राम मूर्ति, कांग्रेस का लीडर आ जी, वड्डे वड्डे पुलिस अफसर उहदे रिश्तेदार आ। लीडर को वधदा जी उहदे को? हाँ जी, कोई 77 कहिंदा जी, मैं कांग्रेस का 77 आ, 2-3 बारी 77 बनिया जी। ज़्यादा करके उसकी गलबात हारी आना ब, मैं तो जी बहुत बड़े बड़े उदो मंत्रियों को भी गया सी, पर मेरा किसी ने परचा नहीं दर्ज किया सी जी। बहुत मुश्किल चंडीगढ़ भी घूम घूम के मेरा 6-7 महीने बाद परचा दर्ज, 8 महीने बाद होया सी जाके, 11वें महीने की 6 तरीक नवंबर न। 26 मार्च के वो घरों गए सी, 28 तो असीं दरखास्तां दे रहे सी, साडी कोई सुनवाई नहीं हुंदी सी। हुण जदों वह उन्हें जमानत करवाई आ मुंडे की, उहदा पुलिस नूं इही कह हटे दा रिमांड लाओ, पर उन्होंने कुछ ने रिमांड नहीं उहदा लिया। जिहड़े बेटे दी तुहाडी अज इत्थे, उहदा मुंडे दा नाम लखवीर बैंस आ जिहदी उहने जमानत कराई आ, आप उहने पुलिस तों कह के आ बाहर, कहिंदा जी मैनूं पुलिस ने बाहर कढ़िया आ, पर असीं फिर उहदी एप्लीकेशन लवाई हुई सी तरीक दे विच, इस बंदे नूं राम मूर्ति नूं बच्चे लियांदा जावे। पुलिस ने किद्दां उहनूं बाहर कढ़दा भाई? जिहड़े बेटे दी तुहाडी अज लाश मिली, इहदा की नां है? साहिल आ जी। इहदे बारे की कहोगे, तुहानूं की शक है? इहदे बारे शक मैनूं उहनां ते ही आ जी, उहनां बंदिआं ते शक आ वी किहड़े बंदे दे नाल सी। उहनां नूं पुछ के जांच कीती जावे वी उह बंदे उहनें मगर छड्डे जां की होया जां किद्दां होई आ, किद्दां इहदी डैथ होई आ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਉੱਦਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਊਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਤੰਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਫਗਵਾੜਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ।
फगवाड़े की सतनाम पुरा पुलिस ने रिमांड नहीं लिया ना इन्हें माँ का लिया से ना इन्हों का रिमांड लिया जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਗਵਾਹ ਜੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾਹ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਦੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਪੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਰਾ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਜੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਫਗਵਾੜੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਿਲ ਨਾਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਆ, ਵਾਸੀ ਕੋਟਰਾਣੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।